दोस्तों, अभी केविन फाइगी आए थे CCXP इवेंट में। उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया, लेकिन अगर हम लोग बात करें Avengers 5 मूवी की, तो उन्होंने Avengers 5 के बारे में कुछ रिवील नहीं किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवील की, जो कि रिलेटेड है क्रॉसओवर इवेंट से। जी हाँ दोस्तों, Avengers 5 जैसी एक बराबर की मूवी आने वाली है बहुत जल्द मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में। अब ये क्या है, आज इसी के बारे में पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ इटर्नस और ब्लैक विडो से रिलेटेड ऐसे शॉकिंग सीक्रेट जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं, आप मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फैन हैं, आप मार्वल फैन हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप नए एवेंजर्स की दुनिया में खोने वाले हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केविन फैगी का ये कहना था कि अभी एवेंजर्स 5 में काफी ज्यादा टाइम है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसे इवेंट की, तो सारे इवेंट को होते होते कम से कम 10 साल लग गए थे। लेकिन अब इतना ज्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल मल्टीवर्स हो रहा है, इसलिए एवेंजर्स 5 आते आते मिनिमम से मिनिमम 5 साल तो लगेंगे। क्योंकि अगर हम लोग लेके चले, जो हम लोग का फेज 3 था वो 3 साल का था, अगर हम लोग बात करें फेज 4 की तो वो है 2 साल का, और फेज 5 भी ऑलमोस्ट 2 साल का है, यानी 2+2=4, यानी 4 साल बाद हम लोग को Avengers 5 बराबर मूवी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले क्रॉसओवर मूवी आएगी, जो कि होगी न्यू एवेंजर्स से रिलेटेड, और हो सकता है कुछ सिनेरियो में डार्क एवेंजर्स के भी दिखाई दे। अब यहाँ पे न्यू एवेंजर्स ये एवेंजर्स है जो पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे एज एवेंजर्स, लेकिन डार्क एवेंजर्स का एकदम ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न हीरो रहते हैं। और दोस्तों, केविन फैगी ने एक और चीज रिवील की है, अगर कोई क्रॉसओवर इवेंट हो रहा है एवेंजर्स के बीच में, तो इतनी जल्दी क्रॉसओवर इवेंट में नए नए सुपर हीरोज को लाया नहीं जाएगा, पहले हर सुपर हीरो को इंट्रोडक्शन किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए, जो टीवी सीरीज आ रही है, इनके कैरेक्टर्स की पूरी पूरी अलग अलग स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है। मून नाइट, मिस मार्वल, शी हल्क, यानी ये सब भी न्यू एवेंजर्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इटर्नल्स की, तो इटर्नल्स न्यू एवेंजर्स का पार्ट नहीं है। जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की अपनी खुद की टीम है, वैसे इटर्नल्स की खुद की टीम है। और यहाँ पे इटर्नल्स मूवी जो है वो 7,000 साल पहले का सिनेरियो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे एक और सीक्रेट रिवील किया केविन फैगिंग के थ्रू कि इटर्नल्स जानते कि एवेंजर्स कौन है, लेकिन एवेंजर्स नहीं जानते इटर्नल्स कौन है। अब यहाँ पे ये जो इटर्नल्स है, ये सीधे सीधे एवेंजर्स 5 में आएगा, जब बहुत बड़ा क्रॉसओवर होगा। लेकिन ये जो क्रॉसओवर हो रहा है न्यू एवेंजर्स या डार्क एवेंजर्स मूवी में, इसमें जो एग्जिस्टिंग सुपर हीरो प्लस नए सुपर हीरोज है, वो आएंगे, जिनकी कोई सेपरेट टीम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है, यहाँ पे ब्लैक पैंथर, यहाँ पे कैप्टन मार्वल है, यहाँ पे स्पाइडरमैन है, उसके अलावा यहाँ पे शी हल्क है, यहाँ पे मून नाइट है, और शैंगची भी। अब ये सब कैरेक्टर्स हैं एकदम फ्रेश कैरेक्टर्स हैं, तो केविन फैगी ऐसा चाहते हैं कि पहले इन सबकी स्टोरी लाइन अच्छी तरीके से बता दिया जाए, फिर एक मेजर क्रॉसओवर इवेंट हो जिसमें इन सबका इंट्रोडक्शन हो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लैक विडो मूवी की, तो ब्लैक विडो मूवी में जो ब्लैक विडो है वो सब प्रीक्वल दिखा जाए, उसका न्यू एवेंजर्स से कोई लेना देना नहीं है। इन सब के अलावा बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इटर्नल्स न्यू एवेंजर्स का पार्ट नहीं है, तो इटर्नल्स की स्टोरी लाइन क्या है, इटर्नल्स इतने समय तक कहाँ थे। दोस्तों, इटर्नल्स मूवी में यही सब दिखाया जाएगा कि इटर्नल्स अगर अर्थ के प्रोटेक्टर हैं, तो इतने समय तक वो थे कहाँ। इन सब का आंसर हमें इटर्नल्स मूवी में मिलने वाला है। और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि नए एवेंजर्स टीम में कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी आएंगे जो पहले पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको अलग से सुपर हीरो बनने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी होंगे जिनके पास पोटेंशियल था, लेकिन उनका पोटेंशियल पूरी तरह सामने नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 लोग का नाम लेना चाहता हूँ, शूरी, फिर एंटमैन की जो बेटी है कैसी लैंग, उसके बाद हार्ली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं शूरी की। शूरी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि शूरी टोनी स्टार्क से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन दोस्तों अभी ये टॉपिक डिस्कस करने लायक नहीं है। अब टॉपिक यहाँ पे ये आती है कि जो शूरी है, उसी ने ब्लैक पैंथर का सूट डिजाइन किया था, उसी ने पूरा वकांडा की टेक्नोलॉजी डिजाइन की थी, तो उसको अलग सुपर हीरो बनने का जरूर मौका मिलना चाहिए। अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, तो टाइम मशीन बनाने में टोनी स्टार्क की पूरी तरह हेल्प करती, और साथ ही साथ कुछ और ऐसे तरीके निकालती जिससे हम लोग थेनोस को और अच्छे तरीके से हरा सके। ये सब तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि शूरी न्यू एवेंजर्स आएगी तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा। दोस्तों, शूरी का काम है अब आयरन मैन की तरह टेक अपग्रेड करना, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक में ऐसा हो चुका है कि शूरी का अपना खुद का ब्लैक पैंथर सूट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शूरी का ब्लैक पैंथर सूट है, ये जो हम लोग करंट ब्लैक पैंथर मूवी देखे, तो उससे कई गुना एडवांस सूट होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऐसे क्रॉसओवर्स में ऐसे टीम अप्स हम लोग को दिखाई देंगे जो ऑडियंस देखने को बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी। फॉर एग्जांपल, शूरी और स्पाइडरमैन का टीम अप, दोस्तों ये टीम अप काफी ज्यादा जोरदार हो सकता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर तो वो है कैसी लैंग। कैसी लैंग एंटमैन 2 मूवी में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी अपने फादर से कि अगर वो बड़ी होती तो उसकी ज़रूर हेल्प करती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब 5 साल बाद जब टाइम जंप हुआ तो कैसी लैंग बड़ी हो चुकी थी और इसी वजह से कैसी लैंग के पास भी पूरा पोटेंशियल है नेक्स्ट एंटमैन या नेक्स्ट वास्प बनने का। और यहाँ पे कैसी लैंग के पास तो अब 4-4 मेंटर है, एक ठो एंटमैन, दूसरी वास्प, प्लस 2 और एल्डर मेंटर भी हैं ऑलरेडी जो कि हैं वास्प के माता पिता। दोस्तों थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो वो है हार्ली। हार्ली का कैरेक्टर हमें आयरन मैन 3 मूवी में दिखाई दिया था और वो टोनी स्टार्क की खूब ज़्यादा हेल्प भी किया था जब टोनी स्टार्क को पैनिक अटैक आ रहे थे। यहाँ पे अगर हार्ली थोड़ा सा और बड़ा होता तो टोनी स्टार्क ज़रूर उसको पूरा पूरे कंप्लीट आयरन मैन सूट ही गिफ्ट कर देता, लेकिन टोनी स्टार्क ने उसके लिए ऐसी लैब बनाई जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर सके। दोस्तों अब तो हार्ली बड़ा हो गया, हमने एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल सीन में भी देखा था कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में हमें पूरा लंबा चौड़ा बड़ा हार्ली देखने को मिला था। अब यहाँ पे हार्ली के पास पूरा पोटेंशियल है, प्लस अगर रोडी या पेपर पॉट्स उसकी हेल्प करते हैं तो उसके पास भी खुद का आयरन मैन सूट होगा और वो भी दी एवेंजर्स के साथ बड़ी आसानी से टीम अप होते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा केविन फेगी ने यह भी रिवील किया है कि जैसी कुछ मूवीज आएंगी, फॉर एग्जांपल कैप्टन मार्वल 2 आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आ रही है, इसमें थोड़ा बहुत क्रॉसओवर हमेशा लगाए रहेगा। यानी कोई भी जो पार्ट 2 मूवी आ रही है सोलो मूवी छोड़ के उसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा सुपर हीरो होगा। ये सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन मार्वल 2 के। अब कैप्टन मार्वल 2 में ये कहा जा रहा है कि कैप्टन मार्वल 2 में स्पाइडरमैन भी हो सकता है और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें लाइफ प्रूफ मिलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा विजन के साथ लोकी भी हमें दिखाई देगा। इसलिए अब जितनी भी मूवीज आएंगी हम लोग को एक के साथ एक सुपर हीरो फ्री मिलने वाला है। तो अगले क्रॉस ओवर की बात करते हैं जो कि न्यू एवेंजर्स मूवी में हमें दिखाई दे सकता है या कहे अगला टीम अप जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ से भरा हो सकता है, वो है हल्क और शी हल्क का टीम अप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शी हल्क की जो सोलो सीरीज है वो आने वाली है और यहाँ पे ब्रूस बैनर भी रहेंगे क्योंकि शी हल्क को बनाने में ब्रूस बैनर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब ब्रूस बैनर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था शी हल्क में तब जाके जो शी हल्क थी वो शी हल्क बनी है। इसलिए यहाँ पे अगर शी हल्क बनती है तो उसका मेंटर हल्क ही होगा जिसे वो अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाएगा। इसी के साथ साथ सोनी और फॉक्स के कैरेक्टर्स भी न्यू एवेंजर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉम हार्डली का वेनम जो कि मल्टीवर्स से ट्रैवल करने की पोटेंशियल लगता है वो भी न्यू एवेंजर्स का पार्ट हो सकता है और स्पाइडी के साथ टीम अप होते हुए नजर आ सकता है। और साथ ही साथ डेडपूल जिनकी सोलो मूवी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो भी न्यू एवेंजर्स के पार्ट बड़ी आसानी से बन सकते हैं। दोस्तों ऑल टुगेदर में बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो न्यू एवेंजर्स मूवी होगी ये एवेंजर्स एंड गेम जितनी बड़े लेवल की मूवी तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा क्रॉसओवर आ जाएगा कि ऑडियंस को देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि ऑडियंस हर 3-4 मूवी सोलो फिल्म के बाद क्रॉसओवर देखना ही चाहती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बड़े लेवल की एवेंजर्स 5 मूवी आएगी उसमें इटर्नल्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये सारे लोग रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैक विडो फिल्म आई थी यहाँ पे इसका एक कैरेक्टर था जो कि था येलेना, जो कि जब इसकी फाइट हुई थी ब्लैक विडो से हैंड टू हैंड कॉम्बैक में तो ये ब्लैक विडो की टक्कर की थी। तो बहुत लोग का ये कहना था कि आगे की फ्यूचर मूवीज में ब्लैक विडो को रिप्लेस करेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ये एक्ट्रेस ने खुद ही रिवील किया है कि वो ब्लैक विडो को फ्यूचर मूवीज में रिप्लेस नहीं करने वाली, उसका रोल सिर्फ ब्लैक विडो मूवी के लिए बना है। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज थे कि कैप्टन अमेरिका की एक्चुअल एज क्या हो गई थी जब वो टाइम ट्रेवल करके बूढ़े होकर वापस आए थे 2023 में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके गए थे कोलम्बिया हाइट्स में वॉशिंगटन डीसी में 1949 में। अब वो जब टाइम ट्रेवल करके आए थे तो उनकी एज थी 112 साल। दोस्तों ये ऑफिशियल रिवील हुआ है और ये कन्फर्म्ड है। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन बताने वाला हूँ जो कि रिलेटेड है डोरमामू से। दोस्तों यहाँ पे डोरमामू का एक अपीयरेंस होने वाला था एवेंजर्स एंड गेम में लेकिन उसको काट दिया गया। यहाँ पे जब प्रोफेसर हल्क एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेने जाता था तो एंशिएंट वन बोलती थी कि अगर तुम टाइम स्टोन ले लोगे तो जो हमारी रियलिटी है वो टाइम स्टोन के बिना खराब हो जाएगी। उसका सीधा सीधा रेफरेंस था डोरमामू से। उसके बाद वो जो डिलीटेड सीन था उसमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता था जहाँ पे एक टनल जारी रहती थी, वहाँ पे डोरमामू एक्चुअली में अर्थ पे अटैक कर देता था और वहाँ पे धीमे धीमे सबको अपनी अंधेरी की दुनिया में लेता था। अब यहाँ पे एंशिएंट वन यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर एंशिएंट वन से टाइम स्टोन ले लिया गया तो भले डॉक्टर स्ट्रेंज सॉकरर सुप्रीम बन जाए, भले एंशिएंट वन फुल पोटेंशियल पे आ जाए, लेकिन वो बिना टाइम स्टोन के डोरमामू को हरा नहीं पाएगी। और दोस्तों ये सीन 100% था क्योंकि यहाँ पे जो अभी हाल ही में एवेंजर्स एंड गेम की स्क्रिप्ट आई है उसमें सीन का मेंशन है प्रॉपरली कि कैसे डोरमामू अर्थ पर अटैक करता है जब एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन नहीं रहता है।
दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं न्यू एवेंजर्स के लिए अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो हमारे नए एवेंजर्स की टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि अगर एक मैच होता है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गैलेक्टस में तो कौन जीतेगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इस समय अगर टाइम स्टोन भी है तब क्या वो गैलेक्टस को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। दोस्तों अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल कॉमिक बुक टॉक्स को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।